नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में एक बयान दिया कि जनता को सपने दिखाने वाले नेता पसंद है, पर पूरा नहीं करने वाले पर जनता पिटाई भी करती है। उनके इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गडकरी का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था। बागपत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने तीन ऐसे चोरों को पकड़ा है जिनकी तलाश पुलिस काफी दिनों से कर रही थी। बताया जा रहा है कि पकड़े गए चोर दुकानों और घरों को अपना निशाना बनाया करते थे। चेकिंग के दौरान सेंट्रो गाड़ी में तीन बदमाश पकड़े गए, जिनके कब्जे से असलाह, कारतूस, तमंचा और विगत दिनों कस्बा में चोरी हुई जो तीन शटर तोड़े गए उसमें चोरी गए संबंधित कागजात और उनको तोड़ने के संबंधित उपकरण, ये सब चीज़ें गैंग से बरामद हुई। मौके से दो लोग फरार हो गए। इस गैंग में टोटल छः सदस्य हैं। दो लोग मौके से फरार हुए, तीन अरेस्ट हुए हैं। एक अन्य सदस्य की तलाश के बारे में जानकारी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अब एक नया मंच सामने आ गया है। आपको बता दें कि राम राज स्थापना महामंच ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें महामंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा ने सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विषय को राजनीति बना दिया है और मंदिर निर्माण में देरी कर रही है। राम मंदिर निर्माण की घोषणा तो मैंने 27 जनवरी कर दी थी कि हम लोग राम मंदिर के प्रवेश द्वार जो चेकिंग पॉइंट है उस पर राम नाम की ईंटें रख के राम मंदिर के प्रवेश द्वार का शुभारंभ करेंगे, मगर कुछ प्रशासनिक बाधाओं से कार्यक्रम थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा, थोड़ा चेंज करना पड़ा। आज जो हम राम नाम की ईंटें लाएँ वो प्रशासन के सुपुर्द करेंगे, मगर निकट भविष्य में हम घोषणा करते हैं कि हम लोग जो भी कुर्बानी देनी हो, लाठी गोली जो भी चले, राम मंदिर का निर्माण शुरू कराएंगे। विश्व हिंदू परिषद से अलग होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया अपने सियासी दल की घोषणा से पहले किसानों की लामबंदी में जुटे हैं। इसके लिए वे प्रदेश में घूम घूम कर किसानों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 29 जनवरी को वे लखनऊ में शहीद स्मारक के पास गांधी भवन में किसानों को संबोधित करेंगे। राजस्थान के रामगढ़, हरियाणा के जींद, तमिलनाडु के तिरुवरूर सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ये आखिरी उपचुनाव है। ऐसे में इन चुनाव के परिणाम कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन सीटों पर हो रहे चुनाव के नतीजे 31 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। खबर लखनऊ से। लखनऊ में राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब समझ चुकी है, वो अब बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अब अपने भगौड़े मित्रों के माध्यम से पार्सल विदेशों को भेज रहे हैं। अमृतसर में एसटीएफ प्रमुख कुंवर विजय प्रताप सिंह ने चरणजीत सिंह की गिरफ्तारी पर एक बयान दिया है। उन्होंने बताया कि किसी विवादित मसलों के चलते चरणजीत सिंह पुलिस से छिपकर विदेश भागने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि पंजाब के निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने 34 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंचने पर अखिलेश कुंभ में दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा बसपा गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने के विचार पर अखिलेश ने कहा कि हमारा गठबंधन मजबूत है।